राजधानी राजधानी रियासत महाराष्ट्र के सांगली जिला में रत्नागिरी नागपुर हाईवे पर कार और ट्रैक्टर का भयानक एक्सीडेंट होने का मामला सामने आया है इस हादसे में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत वाकई हो गई है और इसी के साथ दो लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है मौसल हुई तफसील के मुताबिक रत्नागिरी नागपुर हाईवे पर बुलोरो और रॉन्ग साइड से आए हुए ईंट भरे ट्रैक्टर की आमने सामने हुई टक्कर से यह भयानक हादसा रनुमा हुआ है जिसमें एक ही परिवार के पांच लोगों की दर्दनाक मौत वाक हो गई और दो अफराज शदी जख्मी हुए हैं बोलोरो गाड़ी में एक ही परिवार के सब लोग कोल्हापुर से पंडरपुर की सिमत जा रहे थे उसी वक्त मीरज के करीब वाकई वड्डी गांव के करीब पहुंचने पर रॉन्ग साइड से ईंट भरे हुए ट्रैक्टर ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी में मौजूद पांच अफराद की जाए वारदात पर ही मौत वाक़ हो गई और दो लोग जख्मी बताए जा रहे हैं इस न्यूज़ में फिलहाल इतना ही मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ ऐसे ही देखते रहिए जाग मेरे शहर न्यूज़ चैनल